आज के इस वीडियो में हम देखने वाले लेटर स्पेसिंग एंड वर्ड स्पेसिंग। बट बिफोर दैट मैं बताना चाहूंगा कि वीडियोस रेगुलरली आ रहे हैं, तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग बनाऊंगा एंड इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, लॉरम इप्सम यूज करूंगा। सो लॉरम लिख के अगर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कुछ ऑटो जनरेट कर देगा वर्ड्स। ओके एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने सी एस एस को मैंने लिंक कर दिया है इस इधर, लिंक रेल इक्वल्स टू स्टाइल सेट एंड एच रेप में मैंने अपना लोकेशन दे दिया है, जो कि अपना फाइल का लोकेशन है स्टाइल डॉट सी एस एस। तो यहाँ पे मैंने अपना लोकेशन जो है फाइल का वो दे दिया है। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ। लेट अस अज्यूम मैंने इसको 12 दे दिया क्लास। अब ये वाला जो क्लास है इसको मुझे लेटर स्पेसिंग देना है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस पे आता हूँ, उसको मैं पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेटर स्पेसिंग। बट उससे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा दूँ कि ये फिलहाल के लिए कैसा दिख रहा है, सो दैट आप डिफरेंस इजीली जान पाए। तो अभी फिलहाल के लिए ये हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैं क्या करूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस पे जाऊँ एंड इसको फॉन्ट साइज दे दूँ, थोड़ा बड़ा कर दूँ उसको, 30 पिक्सल कर दूँ। फॉन्ट वेट को मैं क्या करता हूँ, लेट अस अज्यूम फॉन्ट वेट को मैं कर देता हूँ 600 और फॉन्ट स्टाइल को कर देता हूँ इटालिक, जो कि प्रीवियस वीडियोस में आपने पढ़ा तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ, तो आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ओके सो फॉन्ट वेट निकाल ही देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। सो फॉन्ट वेट अगर मैंने निकाल दिया तो अभी ठीक लग रहा है। अब फिलहाल के लिए ये कुछ इस तरह दिख रहा है। मुझे चाहिए हर एक जो लेटर है, हर लेटर पे कुछ स्पेसिंग आ जाए। तो बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करेंगे, वो है लेटर स्पेसिंग। अगर यहाँ पे मैं लेटर स्पेसिंग लिख के अगर इसको मैं 5 पिक्सल करता हूँ, तो हर एक लेटर के बाद 5 5 पिक्सल का मुझे स्पेसेस मिल जाएगा। तो अगर आपको इसको और अच्छे से देख रहे हैं ये कैसे हो रहा है, तो मैं इसको 50 पिक्सल करता हूँ, जिसपे कि आप क्लियर हो जाएंगे। पहले एक लेटर आया, 50 पिक्सल का स्पेस है, फिर लेटर, फिर 50 पिक्सल। सिमिलर मैनर में हमको यहाँ पे लेटर स्पेसिंग मिल रहा है, बट ज्यादातर लेटर स्पेसिंग होता है 1 पिक्सल का। ओके सो आप इसको 1 पिक्सल दे सकते हैं, जिससे कि वो थोड़ा अच्छा दिखे, उसमें थोड़ा स्पेस है उसके बीच में एंड इजीली रीडेबल हो जाए। ये गया हमारा लेटर स्पेसिंग। अब देखते हैं वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग मतलब क्या, नाम से ही पता चल रहा है कि हर एक वर्ड के बाद जो स्पेसिंग आएगा वो कितना होगा। ओके सो यहाँ पे अगर मैं दे दूँ 20 पिक्सल तो आपको अच्छे से वो दिख जाएगा। अभी हर एक वर्ड के बाद 20 20 पिक्सल का गैप आ रहा है। अगर उसको आपको और क्लियरली देखना है तो मैं इसको 200 पिक्सल करता हूँ, तो अब ये आपको दिख रहा होगा कि हर एक वर्ड के बाद 200 पिक्सल का हमारे पास स्पेस आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। बट ज्यादातर अगर केसेस में आप देखेंगे वो 10 पिक्सल्स ही यूज होता है, और ये भी बहुत, मतलब अगर जरूरी हो तो 10 पिक्सल। ज्यादातर मैक्सिमम टू मैक्सिमम साइट में वर्ड स्पेसिंग यूज ही बहुत कम आता है, मतलब अगर बोलो तो 90% ऑफ वेबसाइट्स में वर्ड स्पेसिंग यूज होता है, ओनली 10% ऑफ वेबसाइट्स में। ओके तो एंड इसको आप 3 पिक्सल के अराउंड देंगे तो वो ठीक ठाक लगेगा। ओके जैसे कि अभी लग रहा है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आज के इस वीडियो में आपने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया, देन इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।